आदाब अर्ज़ करता हूँ यूसुफ अली खान साहब। हाँ आदाब अर्ज़ करता हूँ, माफ़ कीजिएगा आपके रियाज में तकलीफ दी आपको, खलल तो नहीं हुआ? खैर वो कोई बात नहीं, आप कही कैसी बातें हैं, तकलीफ हमें होगी, हमें तो इंतहा से ज़्यादा खुशी है आपसे मिलके। उस्ताद आप तो उन हस्तियों में से हैं जिनका नाम रोशन है संगीत की दुनिया में, और बल्कि यूँ समझिए कि कुछ मैं ही थोड़ी बहुत तकलीफ देने आया हूँ। फरमाइए जो कुछ मैं हाजिर हूँ। कुछ उस्ताद बातें पूछना है आपसे, फरमाइए आपको तकलीफ ना हो तो। जो कुछ मैं जानता हूँ मैं हाजिर हूँ। उस्ताद सितार का आपको शौक कब से हुआ, और ये किस तरह आपने सितार सीखा और किससे सीखा? मैंने सीखा सितार, मेरे वालिद को शौक था सितार का। क्या नाम था आपके वालिद साहब? मेरे वालिद का नाम था बहादुर अली, नाम था उर्फ भोंदू। अच्छा, भोंदू के नाम से मशहूर थे। भोंदू के नाम से मशहूर थे। तो वो गया आजम खान साहब के शागिर्द थे जी। आदम खान साहब के, आदम खान साहब कहाँ के? कालपी के थे। कालपी के जी। जब कालपी से आए हैं जी, जब खजूर गांव के महाराणा ने सुना है जी, जब उन्होंने उनको अपने यहाँ नौकर रख लिया। अच्छा, खैर वहाँ रहते रहे रहते रहते दो लड़के पैदा हुए इनके यहाँ जी, अब्दुल गनी खान साहब और मुरब्बत खान। अच्छा, आदम खान साहब, आदम खान साहब जी। और एक लड़के तो राजा साहब चंदापुर ने अपने यहाँ नौकर रख लिया जी। और एक लड़के हुई रहे खजूर गांव में अपने बाप की जगह पर। अच्छा। जब उनके वालिद का ध्यान तो गया तो अपनी उनके बाप की जगह मिल गई उनको। आपने किससे तालीम हासिल? मैंने दोनों आदमी से सीखा। पहले तालीम तो मैंने अब्दुल गनी खान से याद की जी। ये बड़े भाई थे? जी हाँ जी, बड़े भाई थे जी। 13 बरस तक मुसलसल मैंने उनसे सीखा अब्दुल गनी खान से जी। 13 बरस तक? 13 बरस तक। अच्छा, और उस्ताद रियाज का क्या तरीका? रियाज का तरीका ये था हमारे आप तो कि आगे यहाँ सुतली बांध देते थे जी, और उस ऊपर कपड़े में सुतली बांध देते थे। अच्छा, ये क्यों उस्ताद के? कि ऊँग आवे बाल नुचे जिसमें नींद ना हुए। अच्छा, रियाज रियाज चल रहा है जी, तो सुबह 4 बजे तक जी रियाज चलता रहा, 11 बजे 10:30 बजे से जी लेके बैठते थे सितार जी। वो भी दुर्वैस लोग थे जी, अब्दुल गनी खान साहब रात भर जागते थे, इबादत करते थे जी जी, तस्बीह उनके हाथ में रहती थी। खैर सुबह 4 बजे उठते थे वो दुर्यात सब पारी हो करके वो नमाज वमाज पढ़ी जी। हमने भी उन सब लोगों ने जी नमाज पढ़ करके दुनिया के बस नाश्ता वगैरह सब अपने खा पी करके दुनिया का और काम कर करा करके जाके सो रहे जी। सो करके फिर 2-3 बजे उठे जी, फिर अखाड़े के ले गए जी। माँ अपने कसरत के लिए कसरत की जी, फिर आन करके घर के लिए आए जी, बैठे रहे इधर उधर, फिर वही खाना वाना खाया शाम को, फिर वही शुरू हो गया। तो उस्ताद रियाज के क्या तरीके, किन तरीकों से रियाज करते होंगे आप? रियाज का तरीका ये है जी, अपने को मिटाए जब रियाज जी, होता है जी, तो इस बगैर इसके जब तक अपने को मिटाएगा नहीं रियाज नहीं होता जी, तो बिल्कुल सही। तो सच्चे दिल से अपने गुरु को माने जी, तो और रियाज करें जी, और सीखे अच्छे उस्ताद से जिससे भी सीखे। तो किस तरह रियाज वो पलटों का उस्ताद होता होगा क्या? पलटों का रियाज तो यही है जी। यही पलटे है। अच्छा, इन्हीं का रियाज? इन्हीं का रियाज करे। अच्छा, और हाथ तैयार हो जाएगा उछाले जी। ये हुआ उस्ताद, ये सितार के भी कोई कई किस्म के बाज होते हैं? हाँ, 3 किस्म के बाज हैं। कौन कौन से? मसीद खानी जी, रजा खानी, पूरब बाज। तो 3 बाज हुए, मसीद खानी, रजा खानी और पूरब बाज। तकलीफ तो होगी उस्ताद, मगर आप सब सामने पेश करता हूं। गत आप सुनाए तो। ये अमीर खान साहब की गत है जो मैं आपको सामने पेश कर रहा हूँ। अच्छा, ये कौन सा उस्ताद बाज था? ये मसीद खानी। मसीद खानी। अब रजा खानी की अगर एक रजा खानी देखिए, ये उस्ताद रजा खानी हुई। अब वो पूरब बाज, पूरब बाज
ये हो गया पूरा बाज है। अच्छा, ये तीन बाज हो गए उस्ताद। जी हाँ। अच्छा उस्ताद, ये सितार की कुछ मिजराबे भी कहलाती हैं। जी हाँ, मिजराबे, झाले। अच्छा, ये तारपरन। जी, ये क्या चीज, किस तरह के होते हैं? तारपरन या झाले। जी, जैसे ये है, ये तो झाला हो गया। जी, अब तारपरन। तो मिजराबे कई किस्म के झाले, बहुत ही ज्यादा, कितने? 71 झाले। 71 झाले होते हैं, तो इन्हीं का रियाज किया जाता है। जी, इन्हीं पर रियाज किया जाता है, लेकिन सब 71 झाले याद किसको है? जी हाँ, बस दो जो चार चार डरते हैं सबने यही याद है। जी हाँ, ये तो आप सही कहते हैं। अच्छा उस्ताद, आपने तो बहुत बड़े बड़े यानी कलाकारों को सुना होगा, बड़ी बड़ी महफिलें देखी होंगी, कोई ऐसा वाकया अगर आपको याद हो जो आपके दिमाग में अब तक हो, इसकी याद? दिल्ली में जी, जब तांदर खान साहब का इंतकाल हो गया, तो उनके यहाँ गाने बजाने वालों में एक रोटी होती है, बरसी या चालीसवा कुछ होता है, तो उसमें गवैये सब उनके सब बिरादर आते हैं जी, तो उसमें गाना बजाना होता है जी। तो साहब अमीर खान साहब और इमदाद खान साहब, आजम खान साहब, अब्दुल गनी खान, और ये जितने और सितारिये, गवैये, बीनकार, मुराद खान, सभी तो थे। बहुत बड़ी महफिल होती है। बहुत बड़ी महफिल होती है। तो हमको तो तीन आदमियों का, चार आदमियों का पसंद आया जी। एक मुराद खान की बीन जी, और एक अमीर खान साहब का सितार जी, एक आजम खान का सितार जी, और एक इमदाद खान का सितार। भाई ये चार हमने ऐसे सुने हैं कि बारान बरसा दिए, आँख से आँसू बरसा दिए। और उस्ताद, हमने तो ये भी सुना है आप तो विलायत भी हो आए हैं। जी हाँ, विलायत भी आया। मैं गया था कॉरोनेशन एग्जीबिशन में। किस सन में उस्ताद आप गए? मैं सन 2010 में गया था। अच्छा, इलाहाबाद की नुमाइश के बाद गया था मैं। जी जी हाँ। तो वहाँ पे तो आपने सितार सुनाया होगा? जी हाँ, सितार सुनाया हमने, बहुत खुश हुई। अच्छा, वहाँ खुश हुए। अच्छा, सब लोग जी, जब सितार पर मीन खींचे जी, तो वो कहें इट्स लवली, वेरी नाइस, वेरी स्वीट। ओह वाह, बहुत उनको अच्छा लगता होगा, तभी तो ये कहते होंगे मीन। जब यहाँ हमने जो किया जी, वाह, यूं जो किया तो कहें वेरी नाइस, वेरी नाइस, लवली, बहुत अच्छा, स्वीट। अच्छा उस्ताद, ये सितार के तालीम के साथ साथ क्या गाने की तालीम भी? हाँ साहब, गाना जरूर लाजमी है। अच्छा, ये होरी ध्रुपद। अच्छा, ये सितार पर जो अलाप या जोड़ बजाया जाता है, ये ध्रुपद का कोई अवतार बजता है जी। अगर जो ध्रुपद का अवतार नहीं बजेगा तो वो जोड़ अलाप नहीं कहलाता। जी बिल्कुल सही फरमाया। जी हाँ, तालीम ध्रुपद की होरी के जरूर होना चाहिए जी, सितारियों को, बीनकार को, ये जरूर होगी जी। अच्छा उस्ताद, आपके शागिर्द तो खैर? हाँ, शागिर्द सैकड़ों होंगे। सैकड़ों खैर है, मालूम नहीं कहाँ कहाँ है। हाँ, हिंदुस्तान भर में दो दो चार चार कहीं ना कहीं है जरूर जी। खैर उस्ताद, पुरानी तालीम और पुरानी गतियाँ तो अपनी जगह पर एक मुस्तनद चीज है, और उनको तो वो तो कोई जवाब ही नहीं, लेकिन इतनी उम्र में आपने इतना रियाज किया, इतना सीखा, आपने खुद अपनी भी कुछ बंदिश की? मैंने बंदिश की। तो तकलीफ अगर ना हो तो मैं तो पेश करता हूँ आपके सामने। और गत सुना दी? बहुत अच्छा। आहा, क्या कहें, क्या कहने उस्ताद, बहुत ही खूबसूरत बंदिश है। बराबर। और उस्ताद, आपने कुछ अपना कोई जिद्दत सितार में की है या कोई अपना? हमको पुरानी बातों से फुर्सत नहीं मिली, जिद्दत जो कुछ की वो यही किया हमने जी। गते बनाई हमने, गते बनाई, बहुत खूबसूरत गते हैं ये तो। और उस्ताद, एक बात और पूछ सकता हूँ कि ये सितार की तालीम कैसे होना चाहिए? मेरा मतलब ये है कहने का, उसके सिखाने का ढंग क्या है, और कुछ सितार सीखा जाए तो उसका हाथ कैसे रखा जाए, ये सिलसिले में अगर आप कुछ बताएं। जरूर जरूर। जी जी, पहले तो सारे गामा जो मुकदम चीज़ है जी,
जब सारे गामा सिद्ध हो जाए जी, तो बल्टे उसके निकाले सारे गाड़े गामा गामा पा जी हो गया जी। अब इसको और तैयार कर ले, जितना तैयार कर और पलटे इसको अच्छा। तैयार कर ले, उसके बाद भी दो चार पलटे जो तैयार हो गए, अब गत शुरू करा दी, गत शुरू करा दी, गत शुरू बजने लगी जी। बस काम चालू हो गया उसका, अगर जब माइंड उसका दिमाग अच्छा है तो जल्दी बजा देगा, बहुत जल्दी। ये तो बिल्कुल सही बात उस्ताद। आजकल के जो उठते हुए कलाकार हैं, नवीन कलाकार जो सितार सीख रहे हैं, उनके संबंध में अगर आप कुछ बातें बताएं या उनकी नसीहत के लिए, तो उन्हें क्यों कर सीखना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो ये बहुत ही मुफीद साबित होगा आपकी। ठीक है जी। लेकिन मैं करूँ जी, हमने जो उस्तादों की खिदमत की है उनको भी वैसे ही कम से कम उत्ती ना करे, कुछ तो करे ही। बिल्कुल, ये तो जरूर, तो जरूर जब उस्ताद का दिल हाथ में लेगा तो उस्ताद कहाँ का गया गुजरा है कि नहीं बताएगा। बिल्कुल सही फरमाते हैं जी। जब उस्ताद का दिल लेगा हाथ में, जब वो दिल से अपने बताएगा जी, बस ये है जी। हाँ, खैर आपको काफी तकलीफ दी आपके रियाज में भी हमने खल डाला, बड़ी खुशी हुई आपकी। आपकी मेहरबानी है, आप इजाज़त दीजिए। आदाब।